हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 26 मार्च का शिफ्ट थर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन और अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया है, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद गिव स्पीच एट वर्ल्ड पार्लियामेंट। तो ये शिकागो में दिए थे 11 सितंबर को 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का जो शेप होता है ये किडनी शेप्ड होता है। देखिए अभी तक दोनों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें दो शेप होता है, स्टोमाटा ओपन और स्टोमाटा क्लोज, दोनों का शेप हम दे दिए हैं। और दोनों में क्या क्या होता है ये भी दे दिए हैं। सेल वॉल होता है, गार्ड सेल होता है, वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। हो सकता है पूछ दे कि स्टोमाटा में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियस भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जॉग फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि किस नदी पर है। तो जॉग फॉल जो है वो सारावती रिवर पर और ये कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक और फॉल आया इसी क्वेश्चन में, वन क्वेश्चन फ्रॉम शिव समुद्रम वाटरफॉल। तो दोनों क्वेश्चन जैसे कि जॉग फॉल और शिव समुद्रम दोनों ए और बी करके था, हम दोनों को अलग अलग समझा दिए हैं। शिव समुद्रम फॉल जो है उसको ब्लफ भी बोलते हैं और ये जो है किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। और इंडिया का नहीं पूरे एशिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो था वो शिव समुद्रम पर ही बैठा था, वो था 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैरले रॉबर्ट इज मेड बाई, देखिए MIT के द्वारा एक रॉबर्ट बनाया गया था, उसी के बारे में पूछा है। व्हाट इज द लिमिट फॉर द हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर गवर्नमेंट। 25 लाख रुपया रखा गया है। और देखिए यू बराबर वी बराबर यू प्लस 80 पर न्यूमरिकल आया है। एक्सलरेशन निकालना है तो यहाँ पर वी का वैल्यू दिया, यू का दिया हुआ, टी का दिया हुआ, तो यहाँ से एक्सलरेशन आप पहला वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इससे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। हैवी वाटर इज यूज टू, हैवी वाटर जो यूज होता है D2O बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर रिएक्टर में ठंडा करने के लिए। बेस्ट फिल्म इन गोवा फिल्म फेस्टिवल 120 BPM मूवी का नाम है और गोवा फिल्म पर ये तीसरा क्वेश्चन है। तो गोवा फिल्म फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप 2017 का कहाँ पर हुआ है, ये हैदराबाद में हुआ है। और इसका जो पूछा गया है इसमें कहाँ पर हुआ है और इसका क्या मोटो था, तो मोटो था वुमेन फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्शन, इलेक्शन से क्वेश्चन आया है। अब क्या आया ये तो पता नहीं, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए। बोलिए ह्यंग टसंग जो थे वो किसके रीजन में आए थे, ये हर्षवर्धन के रीजन में आए थे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC का। ये पंचायत सरपंच इज डूइंग द रॉन्ग वर्क देन हु कैन स्टॉप इट, तो ग्राम सभा का जो लीडर होते हैं वो उसको स्टॉप करते हैं। चले देखते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में अमीबा और प्लेनेरिया का कैसे होता है, जैसे अमीबा दो पार्ट में टूटता है उसी तरह प्लेनेरिया का 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था, वो सबका रिप्रोडक्शन का ए बी करके पूछा था। स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें गेम का स्टेटमेंट दिया रहेगा और ट्रू और फॉल्स आपको बताना रहेगा। देखिए आइसोटोन्स के बारे में पूछा, पिछला वाला शिफ्ट में आइसोटोप्स पूछा था, आइसोबार पूछ लिया, अब आइसोटोन्स पूछा गया। तो जिसमें टू न्यूक्लियाइड्स आर आइसोटोन्स इफ दे हैव द सेम न्यूट्रॉन नंबर। तो देखिए 131 131 दोनों का सेम न्यूट्रॉन नंबर्स है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो पीछे कॉमेंट बॉक्स में नीचे लिखना ना भूलिए।